how will critics look at certain movies and कि उसमें चिंपैंजी भी है उसमें टाइगर भी है. जिनको बहुत सीरियस फिल्म्स देखने की आदत है या अच्छा लगता है उनको शायद लगे ये बफूनरी है, लेकिन देयर पीपल हु लाइक टू गो इन इन अ थिएटर एंड लाफ. राइनो को तो मैं कितने सालों के बाद मैंने हतारी फिल्म में देखा था, उसके बाद यू गोना वॉच यू नो राइनो एंड अ फिल्म को तो यू नो देखेंगे, दो घंटा मजा लेंगे, और उसके पीछे काफी बहुत मेहनत है, बहुत बहुत मेहनत है. दिस इज अनिल कपूर एंड दिस इज माधुरी दीक्षित एंड यू ऑल आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा. So how important is it? ये बहुत से बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि that how will critics look at certain movies and कि उसमें चिंपैंजी भी है उसमें टाइगर भी है, और बिकॉज वो सर्टन चीज़ें होती हैं उसको उसका मतलब क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है कि that what are we what are they doing buffoonry and all that stuff, but the people I think they like it. जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अजय सर से, मैं अभी आज सुबह मैं बात कर रहा था, तो आई थिंक ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस वर्ल्ड बैडली नीड्स अ लॉट ऑफ लाफ्टर. तो आप कैसे आप देखते हैं इस चीज को कि दैट सम पीपल दे हैव सर्टेन रिजर्वेशंस अबाउट सी डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट सेंसिबिलिटीज व्हेन दे आर वाचिंग अ फिल्म लाइक समवन जिनको बहुत सीरियस फिल्म्स देखने की आदत है या अच्छा लगता है उनको शायद लगे ये बफूनरी है, लेकिन देयर पीपल हु लाइक टू गो इन इन अ थिएटर एंड लाफ. लाइक मुझे कॉमेडीज बहुत पसंद है जी. तो चाहे वो स्लैपस्टिक हो चाहे वो वेरी सटल यू नो काइंड ऑफ अ कॉमेडी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो डिफरेंट देयर विल बी अ डिफरेंट ऑडियंस, लेकिन हमारी फिल्म की खासियत आई थिंक इज दैट इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. तो किड्स से लेके इवन योर ग्रैंडमा ग्रैंडपा दे विल बी एबल टू एंजॉय दिस मूवी, यू नो द होल फैमिली कैन गो टुगेदर और जस्ट हंसना है, जस्ट लाफ एंड यू नो जस्ट हैव फन. राइट मैम, बिफोर इट्स किस माय माइंड आई हैव टू टेल यू दैट आई इंटरव्यूड सूरज बरजातिया जी अ फ्यू डेज बैक एंड ही सेड दैट माधुरी दीक्षित इज माय ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस. ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम. एंड आई थिंक सम वंडरफुल थिंग्स टू से अबाउट यू व्हिच इज व्हिच वाज अमेजिंग. सर आई थिंक गुजराती कैरेक्टर आपने इसमें प्ले किया है. वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट एंड आई थिंक पीपल मैडनेस इज द मेथड इन दिस. आई थिंक पीपल आल्सो शुड जस्ट यू नो गो एंड एंजॉय विद देयर फैमिलीज एंड हैव फन. And that's what we all had really good time. And of course, comedy is a serious business. It's not that easy. इतना आसान नहीं लगता है. उसपे काफी मेहनत करनी पड़ती है. Writing अच्छी होनी चाहिए. Direction अच्छी होनी चाहिए. उसकी फिर editing अच्छी होनी चाहिए. वो माहौल अच्छा होना चाहिए. ये to certain extent definitely is the first time it's an adventure comedy. You know कि इसमें comedy तो है ही और साथ में adventure भी है और scale काफी बड़ा है इस film का. Larger than life. And of course. एंड इसके जैसे तीन एक्ट्स हैं तो जो थर्ड एक्ट है वो पूरा जू में है. लॉट ऑफ एनिमल्स आर इन्वॉल्व. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक हिंदी फिल्म में यू नो इतने एनिमल्स को दिखाया जाएगा और अच्छी तरह इस्तेमाल किया जो बच्चे भी रिलेट कर सकेंगे और बड़े भी और बुजुर्ग भी, क्योंकि हम खुद देख कर इतने हंस रहे थे जब हमने टेक्स देखे. तो आई एम श्योर इवन चिल्ड्रन इवन लाइक इट इवन मोर व्हेन दे सी द वे इंदू जी हैज़ यूज्ड द animals in the film, which is beautifully. मैंने वो राइनो को तो मैं कितने सालों के बाद मैंने हतारी फिल्म में देखा था, उसके बाद you know watch you know a rhino in a film, you know which is and you know so it was wonderful. And there you know real he went all the way to Mauritius to shoot and they shot in Los Angeles for some because certain जैसे वो जो Los Angeles का जो वो अपना छोटा सा crystal monkey who was in Hangover, there are certain you know animals which are you know it's training and shooting it's such a difficult kabhi kabhi pura din ek shot ke liye laga hai hamara ek scene hai tiger ke sath to indu bata raha tha ki pura kabhi kabhi pura pura din do do din teen teen din taki wo sahi waqt pe tiger aaye sahi react kare reactions and all so there are trainers foreigners who are you know trained to train those animals and it's a very 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 tedious tedious bilkul aap logo to you know dekhenge 2 ghanta maza lenge aur उसके पीछे काफी बहुत मेहनत है, बहुत बहुत मेहनत है. आई थिंक गुड दैट यू सेड बिकॉज़ आई थिंक द परसेप्शन वाज दैट मेबी इट वाज वीएफएक्स. सो यू नो 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 ओके मैटर फैक्ट यू नो ऑल द एनिमल्स आर रियल इन द फिल्म एक्सेप्ट फॉर वन और टू बट 99% आर ऑल रियल एनिमल्स. नहीं तो वो बात बनती नहीं. आपको जो ट्रेलर पसंद आ रहा है कहीं ना कहीं वो क्योंकि रियल लग रहा है इसलिए पसंद आ रहा है, तो पसंद नहीं आता वो. This is Anil Kapoor. And this is Madhuri Dixit. And y'all are watching Bollywood Hungama.